जिला मंडी के गत 4 फरवरी से लापता चेतराम का शव अचानक पुल के पास मिलने से कोठरी गहरी पंचायत में सनसनी फैल गई है और ग्रामीण इस हादसे को लेकर सहमे हुए हैं। पंचायतवासी इस मामले को हत्या का मामला मान रहे हैं। इसी के चलते स्थानीय पंचायत प्रधान चेतराम की अगुवाई में पंचायत वासियों का एक प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी से मिला। प्रतिनिधि मंडल में शामिल पंचायत वासियों ने एसपी मंडी से न्याय की गुहार लगाई और मामले की निष्पक्ष जांच करने की अपील की। ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक चेतराम की किसी ने हत्या की है। ग्रामीणों के मुताबिक चेतराम निहायत ही शरीफ इंसान थे। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे स्थानीय पंचायत के प्रधान ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। चेतराम सन ऑफ श्रीपुरियाराम वो कोठी गहरी के रहने वाले थे। दिनांक 4 फरवरी को कहीं या मंडी में काम करते थे और 4 फरवरी से लेकर के आज दिन तक वो गायब रहे। पिछले कल उनकी यहाँ पुल के पास लाश मिली है। उस संदर्भ में गांव के स्थानीय लोग और वहाँ जो चेतराम जी रह रहे थे वहाँ के स्थानीय लोग हम यहाँ प्रशासन एडिशनल एसपी से मिले और मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो घटना हो रही है उसमें निष्पक्ष भावना से जांच होनी चाहिए ताकि जो परिवार के इनके परिवार के सदस्य हैं वो दुख संवेदना प्रकट करते हैं। इसलिए मेरे प्रशासन से निवेदन रहेगा कि जो भी ये घटना हुई है दुखद घटना हुई, बहुत दुखद घटना हुई है क्योंकि 38 वर्ष उसकी आयु थी। तो उस दुखद घटना के लिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन की तरफ से निष्पक्ष भावना से जांच होनी चाहिए। वही मृतक चेतराम के बड़े भाई धनदेव शर्मा ने भी मामले की निष्पक्ष जांच करने की एसपी मंडी से गुहार लगाई है। वही एसपी मंडी ने प्रतिनिधि मंडल को मामले की निष्पक्ष जांच करवाए जाने का आश्वासन भी दिया है। चेतराम ये मेरा छोटा ब्रदर है जो उसके साथ हादसा हुआ, मैं ये जाना भी पुलिस का अन्याय हो चाहिए, कैसे हुआ, क्या हुआ, बस ये चला जाता है। तो इसका इंसाफ होना चाहिए, पर अच्छा जी ऐसे भी क्या होगा इसके साथ, ये तो मैं नहीं जानता क्या होगा। जो भी एमएलए जो है इसका ये ले रही है तो अच्छा एक तरह गाँव चाहिए। इसके साथ जो हम तो कर रहे हैं भी, जो भी है ना कुछ नहीं, हम भी आपके साथ हैं, आप कर रहे हैं।